नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। दमोह कृषि उपज मंडी में अनियमितता असुविधाओं को लेकर यहां के जो व्यापारी हैं वह परेशान है, गंभीर आरोप लगा रहे हैं वह पुलिस पर, प्रशासन पर और कृषि उपज मंडी प्रशासन पर। उनका कहना है कि चोरों के हौसले बुलंदी पर हैं, लगातार वह चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। व्यापारी परेशान है, किसान भी परेशान है। विद्युत की अव्यवस्था है, स्वच्छता के नाम पर क्या हो रहा है सब जानते हैं, और साथ में अनेक प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर व्यापारियों में काफी रोष है। हाल ही में फिर चोरी की घटना घटित हुई, एक किसान के साथ हुई घटना, व्यापारी के साथ हुई घटना। व्यापारियों का कहना है कि लगातार हम पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस जो है वह FIR दर्ज करने की जगह पे लेती है आवेदन और फिर कुछ देर बिठाती है चिन्हित चोरों को और फिर रवाना कर देती है और सबूत मांगती है व्यापारियों से कि आपके पास माल कहां से आया। जबकि व्यापारी रजिस्टर्ड होता है, वहां पर जो व्यापारी हैं बाकायदा उनके पंजीयन है और उस आधार पर वह वहां पर माल क्रय करने के लिए लगातार उपस्थित रहते हैं। किसान अपना माल लेकर वहां पहुंचता है और बेचता है और ऐसे समय कुछ चिन्हित लोग चोरी की घटनाओं को देते हैं अंजाम, रोकने पर करते हैं बदसलूकी, देते हैं धमकी और पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता है। इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं यहाँ पर व्यापारियों के द्वारा। क्या हो गया है कि कल किसी पर मंडी में हमारे व्यापारी हैं मुकेश जैन, इनके यहाँ दिन में 3 बोरी उड़द की चोरी हुई है और ये घटनाएं लगातार मंडी में हो रही हैं। बार बार प्रशासन को लिख के दे रहे हैं, पूछताछ रहे हैं, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं है, चिन्हित 5 या 6 ऐसे लोग हैं जो बार बार ये चोरियाँ करते हैं, प्रशासन को बार बार लिख के देते हैं। व्यापारी क्योंकि यहाँ व्यापार करने आता है, वो कोर्ट कचहरी में नहीं पढ़ना चाहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि उनके लिए 2 दिन में जमानत हो जाती है, वो आके पनाही चोरी करने लगते हैं। तो हमारा व्यापारियों ने आज एक निर्णय लिया है, आज से ही हमने कहा था कि हम सोमवार से अनिश्चितकालीन मंडी बंद करेंगे, किंतु प्रशासन के आवेदन पर निवेदन पर उन्होंने कहा सोमवार को आप हमारे साथ बैठ कर चर्चा कर रहे हैं और अगर इसके बाद भी इसका निराकरण नहीं होगा तो निश्चित रूप से ही मंडी मंगलवार से हम अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ व्यापार करने आते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को जाके अगर ये माल ऐसी चोरी होगा तो क्या कमाएंगे। इसलिए हम लोग सारे व्यापारी अपना लाइसेंस सरेंडर करेंगे और कोई दूसरा बिजनेस या व्यापार करने की सोचेंगे। बहुत बहुत मुकेश जैन, क्या हुई है? कल 3 बोरी चोरी हुई है माँ, चने की, तो चने की उर्दे की, तो दिन में ही कल उर्दे की बोरी सामने देख भी रहे हम माल, तो उन्होंने बोरी खोली और पेंट में रस्सी बांधी है नीचे और उसमें ऊपर से भरा उर्दा और पल्ले राखना पुर्रे बोलते हैं, अपन तो पहचानते नहीं भाई पल्ले का बताए पुर्रे नाम पल्ले का, तो देख लिया दारू पी रहे थे ज्यादा, अपन बोल भी नहीं सकते कचू उनसे कहा उल्टो अपन वजह धरो ले गए भर के। पुलिस में आप लोग शिकायत करते तो क्या होता है? कुछ नहीं होता है, आवेदन दे दो, सबूत दो, हमारे सामने चोरी हो रही हो रही, हम चोरी क्या हूँ करने, हम का सबूत दे चाहिए कि माल खड़े हो, हम कहते हैं 2 बजे चली गई। यानी FIR की जगह होती है मतलब है आवेदन। हाँ, आवेदन दे दो, हाँ। कार्रवाई करेंगे और होती तो कभी है नहीं, 25 साल से तो हम खुद ही इसी मंडी में हैं, तो आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो ही घंटा घंटा 2 घंटा चर्चाएं होनी समाप्त हो जाती है, इसके बाद कुछ रिजल्ट, और जैसे कोई पुलिस ले भी गए घंटे आध घंटे में छोड़ छाड़ के फ्री कर देते हैं, इसके अलावा कुछ होते ही नहीं। आपके हिसाब से किसान की 12 बोरी तुली और उसके रहते हैं 11 है, एक उसकी जब दिन के भर दोपहरे ले जा रहा बताओ, जब 12 की सामने ही तुल रही उसे कह रहे 11 है, तो एक जमा ही है। यानी इसका मतलब यह है कि पुलिस सही ढंग से ध्यान नहीं दे रही है और कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस का शासन ही है, पुलिस क्या करो, तुम एक आवाज़ में
उनके इकट्ठे हुए, आज अपनी कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी चोरी हो तो अपनी को सबूत देना पड़ता है कि तुम्हारे पास ये माल कहाँ से है। अब बताओ हमारा माल चोरी हो, हम सबूत दें पहले हमारे पास कहाँ से, अरे हमने मंडी से किसान से खरीदा और क्या सबूत देंगे। नाम है आपका? योगेश। योगेश जी क्या समस्या आ गई? यहाँ पे चोरी हैं बहुत दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। कल हमने उधर पे देखा एक किसान और उधर बोरी लगी रही, वो झाड़ू लगाने गया उसके बाद बोरी गायब हो गई। वो लड़ता रहा, डांस भी चल रही थी उस टाइम पर, वो लड़ता रहा, वो मानने तैयार नहीं है कि हमने उठाई है बोरी। और किसान कह रहा कि हमने देखी है कि यहाँ से बोरी गायब हुई है। यानी चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं लगातार। पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना पुलिस प्रशासन द्वारा हो रही है, ना मंडी प्रशासन द्वारा हो रही है। जी क्या शुभ नाम आपका? संदीप मोदी। मोदी जी क्या परेशानी यहाँ पे है? अब वर्तमान में तो स्थिति यही है कि अभी बाजीगोई में यहाँ पे अभी शादी सम्मेलन हुआ था अभी दो दिन पहले शाम हुए, तो अब आज भी वहाँ पे पूरी इतनी गंदगी पड़ी हुई है और इतनी बदबू आ रही है कि उसका कोई हिसाब नहीं है, वहाँ खड़ा नहीं हो सकता कोई अभी। और ना तो यहाँ पे हमेशा रात में मान लो दसों बार लाइट की बंद होती है, शहर की लाइट जाती है लेकिन मंडी की बंद हो जाती है। असामाजिक तत्व पूरे समय अंदर रहते हैं, घूमते रहते हैं, दारू का अड्डा बना रहता है, तो और ये क्या बोलते हैं इसमें जुआ भी चलता रहता है। और भी मान लो साफ़ सफाई है वो प्रॉपर कभी नहीं होती है। हम लोग तो व्यापारी हैं तो हम लोग तो वो हम हमेशा बोलते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जो चाहिए है एक क्लास की मंडी जो होना चाहिए वो व्यवस्थाएं आज तक हम लोगों को नहीं मिली। नहीं, इसका मतलब ये है कि मंडी पुलिस और प्रशासन सभी इसमें दोषी है? तो वो तो स्पष्ट सामने दिख रहा, उसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भी मंडी का भ्रमण करेंगे देखेंगे आपको इसमें मतलब इतनी गंदगी पड़ी हुई है और यहीं ऐसे में हम लोग बात करते हैं। व्यवस्थाओं नाम की तो अभी फिलहाल में ऐसी कोई मेरे को लगता नहीं है कि है अभी। मैं राइन कुमार मंडी व्यवस्था के नाम पे तो कुछ नहीं है। आज यदि आदमी आएंगे तो आधी सी लाइट शहरों की पूरी पर्याप्त दूर रहेगी। मैंने इस बारे में कई बार यहाँ बोली कि भैया यहाँ लाइट व्यवस्था करो, प्रगत व्यवस्था करो, लेकिन व्यवस्था वो नहीं होती। अभी इस प्रांगण में कम से कम चार लाइटें बंद रहती हैं जहाँ पर खड़े हैं। आगे वो दो तीन शहर वाले जहाँ चोरी बराबर होती है वहाँ तो लाइट रहती नहीं है। अभी कम से कम हफ्ता 15 दिन से वहाँ लाइट नहीं है। और बाकी ये जैसे अनियमितता के शाम से जैसे पूरी गंदगी फैली है, आज शादी के कारण पूरी मंडी आपको साफ दिख रही है अभी, मतलब कचरा के हिसाब से। लेकिन अन्य दिन आएंगे तो यहाँ पूरे ढेर लगे मिलेंगे आप कचड़े के, पूरे छान मान जो किसान की छान रहती है सभी किनारे पटक दी जाती है, पूरे धूल लगे मिलते हैं। बस 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 बारिश होने पर पूरे सड़ जाते और पूरी बदबू चलती जाती है। और अन्य व्यवस्था तो है ही, अभी देख ही रहे हो जो अव्यवस्थाएँ हैं मतलब मंडी में। चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं? चोरी घटना मतलब प्रत्येक दिन कोई ना कोई घटना होती है। इसके पहले चोरी पकड़ी गई थी, उसके बाद उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसमें उसकी रिपोर्ट की गई थी मंडी में, उसकी शिकायत की गई थी, उसका वीडियो बनाया गया था, उसको पुलिस ले गई थी। अब उसके बाद पता नहीं क्या क्या उसका हुआ नहीं मालूम। मतलब जो यहाँ चोरी हुआ था वो भी आज तक अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। कल भी अभी पिछले अब कल भी चोरी हुई है ऐसे हर दिन हर डे किसी ना किसी की चोरी होती है। व्यापारी तो अगर हो जाती कि हमारे भैया एक बोरी कम है, किसान की तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ चली गई। किसान का भी जानकारी नहीं है उसको अनभिज्ञ है, उसकी डेरी में कितना माल चला जाए या बोरी उधर के किराए चट्टर में खुल जाए चली जाए कोई पता नहीं है। तो सुना आपने, ये आरोप जो हैं वो गंभीर आरोप हैं। अगर एक व्यापारी और एक सभ्य प्राणी किसी प्रकार की शिकायत लेकर अगर जाता है और उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से यह चूक तो है, कार्रवाई होना चाहिए। जब चिन्हित करके दिया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है और उसके बाद अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, प्रशासन नहीं कार्रवाई करता है, तो फिर निश्चित रूप से प्रश्न तो उपजेंगे। अब बात करते हैं स्वच्छता को लेकर। व्यापारियों का कहना है कि यहां पर इस प्रांगण में बिना किसी परमिशन के कुछ भी आयोजन होने लगते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह हुए, अच्छी बात है, परंतु स्वच्छता भी होना चाहिए। आज 3-4 दिन से यहां पर पड़ा हुआ है कचरा जो दे रहा है बदबू और गंदगी के
के साथ लोग परेशान हैं। स्वच्छ भारत अभियान में लग रहा है पलीता, किसकी है जिम्मेदारी? यह जो आयोजन था वह था दमोह जनपद पंचायत का, यही जो आयोजन था वह नगर पालिका का था और स्थानीय विधायक इसमें आयोजक के रूप में उपस्थित हुए थे और अनेक जनप्रतिनिधियों के साथ में मंत्री भी थे, सांसद भी थे, विधायक भी थे और सभी ने इस आयोजन में उपस्थित होकर वर वधु को दिया था आशीर्वाद। भोजन में हजारों लोग उपस्थित हुए और फिर उस भोजन से निकला हुआ जो कचरा था वह आज भी पड़ा हुआ है पिछले 3-4 दिनों से।